नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भेल। नया पार्टी के नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। आब नेपाली कांग्रेस अपना सभक प्रतिस्पर्धी नहीं रहल। प्रधानमंत्री ओलीक टिप्पणी, कांग्रेस सहयोगी पार्टी हेबाक दावी। प्रदेश नंबर दू प्रदेश सभाक अधिवेशन अंत। मोदी भ्रमणक विभिन्न विषय में एमाले माओवादी सांसद सब से सरकार के जवाब मांग। विदेशी रोजगारी के लिए मलेशिया जाय वाला नेपाली कामदारों पर लगाओल गेल अतिरिक्त शुल्क खारिज करवाक सरकारक निर्णय। आ कपिल वस्तुक चंद्रटा में आग लगी, 6 दुकान जरकर नष्ट। आग लगी से 2 करोड़ से बेसी क्षति। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भेल। दोनों पार्टी काल काठमांडू में संयुक्त रूप में पार्टी एकीकरण भेल औपचारिक घोषणा केने। एकीकरणक बाद पार्टी के नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखल गेल। नया पार्टी के केन्द्रीय कार्य समिति 441 सदस्य रहत, जैमे से नेकपा एमाले 221 आ माओवादी से 200 गोटे रहत। तेना के अस्थायी समिति में 45 गोटे राखल गेल। 43 सदस्य अस्थायी समिति में एमाले के तरफ से 25 आ माओवादी केन्द्र के तरफ से 18 गोटे रहत। एकजुट छ एकताको पक्ष। किन एकता सफल छ? किन एकता यसरी अगाडि बढ्छ? खुसीको कुरा हो। अब हाम्रो पार्टी धेरै कुरा अगाडि साथीहरूले भनिसक्नुभयो। स्वागत मन्तव्यका क्रममा, सञ्चालनका क्रममा भाषण गर्न नमिले र वक्तव्य पढ्ने क्रममा अथवा प्रचण्डजीले अलिक छोटो छोटै बोल्ने क्रममा भए पनि आइसकेको छ सबै। मैले धेरै त भन्न छैन, तर धेरै कुराहरू आइसकेको छ। हामी मिश्रणको रूपमा होइन, मिसिएको रूपमा होइन, अन्तर्घुलित भएका छौँ, घोलिएका छौँ। हामी अब एउटै पार्टी हिन्द महासागरमा गएर कुसीको पानी खोज्न थाल्यो भने कर्णालीको पानी खोज्न थाल्यो कहाँ पुग्यो? हिन्द महासागरमा गइसकेपछि बे अफ बङ्गालमा गएर हाम्रो कोसीको कहाँनिर छ, सेतीको कहाँनिर छ भनेर खोजेर हुँदैन। त्यो अघिसम्म हामीले एमाले भनेर, माओवादी केन्द्र भनेर भने, अघिसम्म प्रचण्डजी अर्कै पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, अब अर्को पार्टीको नेता होइन। मैले सायद यहीँ बस्दा बस्दै हो कि माथि ओ केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो, मैले भने अब तपाईँको माओवादी केन्द्र सिद्धि हो, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष सिद्धि हो अनि उहाँले तपाईँको एमालेको मैले उहाँलाई केही जवाफ सुन्नका लागि नै त्यो भनेको। हो, दुइटै सिद्धि हो। यही मञ्चबाट धेरै अगाडि सायद आश्विन 17 होला, एउटाले अर्कोलाई निल्ने कुरा हो कि क्या हो? यो त निल्न खोजिया हो कि क्या हो? एउटाले अर्कामा विलय गराउन खोजिया हो कि क्या हो भनेर मैले जवाफ त्यस बेला दिएको थिएँ बोल्दा।
ऐसे पहले नेकपा एमाले आमावादी पार्टी विघटन के घोषणा केने छल। विघटन संगे दुनू पार्टी के केंद्रीय सदस्य सब प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में सामूहिक रूप में शपथ लेने छलथि। ऐसे पहले अध्यक्ष द्वय के पी ओली आ पुष्प कमल दाहाल एक दोसर के शपथ ग्रहण करौलनि। दुनू पार्टी के अध्यक्ष से हो रहल नौ सदस्यीय हाईकमांड गठन कैल गेल अछि। हाईकमांड दुनू अध्यक्ष के संगे माधव कुमार नेपाल, छलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, राम बहादुर थापा आ विष्णु पौडेल रहल छथि। नारायण काजी श्रेष्ठ के प्रवक्ता तोकल गेल अछि त विष्णु पौडेल के महासचिव बनायल गेल अछि। एमाले माओवादी केन्द्र मिलकर बनल नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनता के जनवाद होबय लागल अछि। दू पार्टी काल्हि एकता के घोषणा केलक त निर्वाचन आयोग में दलदरता के निवेदन देनी अछि। एमाले जनता के बहुदलीय जनवाद आ माओवादी 21वीं शताब्दी के जनवाद कहकर आयल छल। पार्टी एकता के छह बुंदे घोषणा पत्र पढ़ित पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी के तत्कालीन कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनता के जनवाद हाथ बतौलन। अखन आगू बढ़ायल गेल समाजवाद उन्मुख जनता के जनवाद के अंतर्वस्तु ज ब ज आ 21वीं शताब्दी के जनवादे से लेल गेल अछि। नाम में विवाद भेलाक बाद बहुदलीय कहकर शब्द हटाकर जनता के जनवाद कहल गेल अछि। एकीकरण संगे एमाले माओवादी पार्टी के नाम में रहल संपत्ति नया पार्टी में सरत। ऐसे पहिने प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल बीच भेल पार्टी एकता करबाक सहमति के पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार अनुमोदन केने छल। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में भेल पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार पार्टी एकता करबाक दुनू पार्टीक शीर्ष नेतृत्व सहमति के अनुदान केने छल। पार्टी एकता संयोजन समिति सदस्य से हो रहल एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल नौ सदस्य सचिवालय बनेबाक सहमति से हो भेल जानकारी देलनि। निर्वाचन आयोग नया एकीकृत पार्टीक दर्ता से हो कायल भेल। ऐसे पहले प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ नेकपा माओवादी केंद्र अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल दू पार्टी बीच एकता हेबाक घोषणा केने छलथि। दुनू नेता मदन भंडारी स्मृति दिवसक विशेष अवसर मिलकर दुनू पार्टी बीच एकता करय लागल औपचारिक घोषणा केने छलथि। बलखोई स्थित मदन भंडारीक सालिक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली दुनू पार्टी बीचक एकता देशक भविष्यक लेल भेल बतौने छलथि। ओ दू पार्टी बीचक एकता नेपाल के और ऊंचाई में पहुंचाब कैल गेल दावी केलनि। नेपालको उचाइलाई अनेक कोणबाट यसले प्रभावित गर्छ र यसको असाधारण सकारात्मक र दूरगामी महत्त्व छ। पार्टी कसका सदस्य कति छन् मात्रै होइन, कसका सदस्य कति छन् भनेर त्यसको मात्रै हिसाब हुँदैन। एउटा तत्त्व र अर्को तत्त्व ससाना अणुहरू मिसाउँदाखेरि त्यसले विकराल एउटा विस्फोटक स्थिति, यो गुणात्मक हिसाबले खाली सङ्ख्यात्मक परिमाणात्मक मात्रै होइन गुणात्मक हिसाबले यसको अर्थ र महत्त्व छ जसको चर्चा अब यसपछि आजको दिन यसै काममा हामी क्रियाशील रह यसपछि तुरन्त कार्यक्रमलाई थाहा छ पार्टी एकता समन्वय समितिको बैठक यसपछि तुरन्त बस्दैछ। नेकपा एमाले निर्णय गरिसक्यो एकता गर्ने भनेर, माओवादी केन्द्रले पनि निर्णय गरिसक्यो एकता गर्ने भनेर, अब संयोजन समितिले औपचारिक ढङ्गले निर्णय गर्छ केही समयपछि, त्यसपछि आफ्ना केन्द्रीय कमिटीहरू बस्छन् र निर्णय गर्छन्, त्यसपछि संयुक्त केन्द्रीय कमिटी बस्छ र त्यो एउटै केन्द्रीय कमिटी हुन्छ, अनि पार्टी एउटै केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्छ। यो सधैँ जस्तो दर्ता गरेको होइन, यो नेपालको भविष्यको सङ्केत दर्ता गर्दैछौँ आज। अब नेपाल कता जान्छ भन्ने कुराको दर्ता, नेपाल कता जान्छ भन्ने कुराको घोषणा, त्यो घोषणा हो, यो चान्सुने कुरा हो। कतिपय मान्छेहरूले बुझिराखेका छन् के भइरहेको, अचम्म मानिरहेको छ के भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल मदन भण्डारीक स्मृति दिवसक अवसरमे पार्टी एकता करबाक प्रस्ताव राखल गेल सेहो बताउने छलथि। ओ भण्डारी नेपालक कम्युनिस्ट आन्दोलनक विशिष्ट नेता भेल कहैत हुनकर
अवसानक दिनमे अपना सबसँ पार्टी एकता घोषणा करबाक प्रस्ताव राखब पाओल गेलमे गर्व महसूस कऽ रहल बतौलनि। इतिहासको निर्माण जनसमुदायले गर्छ, तर जनसमुदायले त्यो निर्माण गर्दा आफू भित्रबाट आफू मध्येबाट केही त्यस्ता विशिष्ट नेताहरू पैदा गर्दै र उनीहरूको नेतृत्व मार्फत इतिहास बनाउने काम गर्छ। कमरेड मदन भण्डारी त्यस्तै एउटा नेपाली जनताले जन्माएको आजकै दिन कमरेड मदन भण्डारीको अवसान भएकै दिन, कमरेड जीवराज आश्रितको अवसान भएकै दिन आज हामी पार्टी एकतामा जाँदैछौँ। एमालेक तत्कालीन महासचिव भण्डारी आ संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितक 25 वर्ष पहिने दासढुङ्गामे जीप दुर्घटनामे परि निधन भेल छल। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस आब प्रतिस्पर्धी पार्टी नै रहल बताउने छथि। प्रधानमन्त्री ओली एमाले आ माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भेलाक बाद कांग्रेस प्रतिस्पर्धी नै रहल मुदा सहयोगी पार्टीक रूपमे रहबाक दावी कयलनि। मदन भण्डारी स्मृति दिवसक अवसरमे ओ काल्हि काठमाडौँमे आयोजित कार्यक्रममे दू पार्टी बीचक एकताक बाद कांग्रेसके सेहो शपथमे लऽ कऽ देश कांग्रेस के सेहो साथमे लऽ कऽ देश निर्माणक अभियानमे जुटबाक बतौलनि। ओ दुनू पार्टी बीचक एकता दमनक लेल मात्र नहि भऽ कऽ विकासक लेल भेल सेहो स्पष्ट कयलनि। प्रधानमन्त्री ओली देशमे अधिनायकवाद आयत की कहि कऽ शङ्का नहि करऽ सेहो आग्रह कयलनि। ओ सुशासन कायम करऽ, भ्रष्टाचार समाप्त करऽ आ समग्रतामे देशक निर्माण करऽ पार्टी बीचक एकता कयल गेल तर्क सेहो कयलनि। नेपाली कङ्ग्रेस हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टी रहेन, सहयोगी पार्टी, हामी लोकतन्त्रमा साथै लिएर नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि हामी साथै लिएर चल्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि योगदान गर्नुपर्छ, गर्छ, इतिहास छ, हामी सबै मिलेर देश बनाउने हो। हाम्रो समृद्धि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा यसतर्फको हाम्रो यात्रा। हाम्रा मित्रहरू कानुनी हैसियतको कारणले कहिले कहिले अधिनायकवादी आउँछ कि दमन गर्छन् कि यो एकताबाट ढुक्क भए हुन्छ। यो दमनकारी हुनका लागि होइन, विकासकारी हुनका लागि हामी एकता लगाए। यो हामीले शासन गर्नका लागि होइन, सेवा पुर्याउनका लागि एकता गऱ्यौँ। हामीले भ्रष्टाचार गरौँ चोरौँ भनेर होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि, कुशासन ल्याउन होइन, सुशासन स्थापना गर्नका लागि यो एकता गरे। अल्म लिएर यही मौकामा जे जे छ गरिहालौँ भन्नका लागि होइन, यस अवसरलाई राष्ट्र निर्माणको निम्ति सदुपयोग गरौँ भन्नका लागि। प्रधानमन्त्री ओली जनता उपर शासन करबाक नै भऽ सेवा करबाक लेल एमाले आ माओवादी केन्द्रबीच एकता कयल गेल सेहो बतौलनि। आब समाचारमे किछु देर व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद प्रदेश नम्बर 2 के प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त, मोदी भ्रमणक विभिन्न विषयमे एमाले माओवादीक सांसद सबसँ सरकारसँग जवाब माँग। वैदेशिक रोजगारीक लेल मलेसिया जायवला नेपाली कामदार उपर लगाओल गेल अतिरिक्त शुल्क खारिज करबाक सरकारक निर्णय। आ कपिल वस्तुक चन्द्रोटामे आगि लगी 6 दोकान जरिकऽ नष्ट, आगि लगीसँ 2 करोड़। विश्रामक बाद पुनः समाचारमे स्वागत अछि। आब बाकी समाचार। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव कांग्रेसमे नेतृत्वक अभाव देखल गेल बतौने छथि। पूर्व राष्ट्रपति यादव जनता सङ्ग सम्बन्धके स्थापित करबाक काजके केन्द्रित होबय सेहो नेपाली कांग्रेसक नेता कार्यकर्ताके सुझाव देलनि। प्रजातान्त्रिक विचार समाजक 20 स्थापना दिवसक अवसरमे काल्हि काठमाडौँमे आयोजित कार्यक्रममे ओ कांग्रेस नेतासभ देशक विविधताके पहचान करऽ नहि सकलासँ निराशा भेल कहैत चिन्ता सेहो व्यक्त कयलनि। ओ कांग्रेस अपनाके राष्ट्रपति बनाकऽ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालक संविधान घोषणा करबाक अवसर देलापर ई पार्टी निराश बनैत जेबाक अपना लेल चिन्ताजनक विषय भेल। पूर्व राष्ट्रपति यादवक कहब छलनि, जस्तो भूगोलको विविधता छ त्यस्तै हाम्रो देशमा तपाईँको जातीय क्षेत्रीय र सामाजिक विविधता छ। यो तपाईँले बुझिरहनु भएको छैन, त्यो काङ्ग्रेसमा अहिले त्यो सम्पूर्ण देश बुझ्ने नेता छैन, छ एक दुईजना छन्, मैले नाम लिनु हुँदैन, पढाइ लेखाइ गर्छ, लेख्छ, बोल्छ पनि। तपाईँ बुद्धिजीवीहरू मभन्दा धेरै चाहिँ कि विद्वानहरू हुनुहुन्छ र
तपाईहरुको कन्ट्रिब्युसन कांग्रेसमा पनि र लोकतन्त्रको इतिहासमा र गणतान्त्रिक इतिहासमा म भन्दा बढी योगदान चाहिँ यो मञ्चमा बसेका मानिसहरु र तपाई मेरो अगाडि बसेका मानिसहरुमा मैले देखिरहेको छु तर म सौभाग्यवती सौभाग्य त मैले प्राप्त गरे मैले जुन दिनदेखि कांग्रेसमा कलकत्ताबाट नौ वर्षबाट फर्के 36 सालदेखि 46 सालसम्म कांग्रेसको ब्याकबोन थियो त्यहाँ त्यो जिल्ला धोर्सा मौतरी सर्लाही सिरा सिन्धुली उदयपुर दोलखाडा मेचा ओखरडुङ्गा र खोटाङसँगको साथीहरू सबैले तपाईँको त्यहाँबाट क्वेसन पठाइदिन्थे र त्यसै प्रचार मेरो हुन्थ्यो मौका पाएँ बिपी कोइरालाले र इलाजको सम्बन्धमा मैले सारा देशमा त्यसै परिचित भइगएँ म गभर्मेन्टको साथ भन्छु र तपाईँहरूलाई कार्यकर्ता तपाईँहरूलाई देशवासीसँग सम्बन्ध कटिसकेको छ काङ्ग्रेसको मान्छे जान्छ कहीँ गाउँमा बस्दैन होटलमा बस्छ राति के गर्छ तपाईँलाई थाहै छ कि कुन पानी दिन्छ भनेर अब यो अवस्थामा मैले भन्नुहुन्छ कि भन्नु हुँदैन मैले काङ्ग्रेसको मान्छे गएर कहीँ होटलमा बस्छ काङ्ग्रेसी भएर त गएर बुल्कामा बस्नु पऱ्यो नि बिपी कोइराला गएर तपाईँको के भन्छ लीला कोइरालाको घरमा बसेर त्यहाँ तपाईँ 10 दिनतिरमा बस्नुहुने 10 दिन बस्नुहुने कृष्णप्रसाद भट्टराई तपाईँको गएर कलैयामा त्यहाँ दिदीको घरमा बसेर तपाईँको चार जिल्लाको मान्छेलाई भेट्न हुने होइन र त्यति नै होइन यी यो के भन्छ विष्णुबहादुर मानन्द र अथरको मान्छे तपाईँको त्यहाँ गएर तपाईँको जनको शुभकामना दिन चाहन्छौँ र तपाईँको दीर्घ जीवनको कामना पूर्व राष्ट्रपति यादव बीपी कोइराला जेहन नेता सब जनतासँग स्थापित केने सम्बन्ध के सेहो कांग्रेस नेतृत्व विसरिकहत असन्तुष्टि व्यक्त केने छला प्रदेश सरकार के प्रदेश सभाक पहिल अधिवेशन सम्पन्न भेल अछि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण क्रम में विवादित रहल मुख्यमंत्री के भाषण भ्रमण में भेल खर्च आ होबयवला भ्रष्टाचार देश के झंडा सहित के विषय में सांसद सब उठाने सवाल के जवाब मुख्यमंत्री देबय पड़त कानून मंत्री जवाब दैत संसद के अधिवेशने सम्पन्न भेल घोषणा केने छथि एक रिपोर्ट बृहस्पति दिन सांसद लोकनि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर भ्रमण के क्रम में भेल विवादित विषय में मुख्यमंत्री के जवाब प्रदेश सभा में आवत सोच बनौने छलथि सांसद लोकनि सभा में उठौने मुख्यमंत्री के भाषण भ्रमण में भेल खर्च आ होब सके वाला भ्रष्टाचार देश के झंडा सहितक सवाल के जवाब पेबाक हुनका सबके विश्वास छल मुदा बैसार में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत उपस्थित समेत नहीं भेलनि बिना मुख्यमंत्री सभामुख संसद के कार्यवाही शुरू केला पर माओवादी के सांसद ज्वाला कुमारी शाह मुख्यमंत्री संसद के अपमान केने आ सरकार के मंत्री सब समय के मध्य नजर नहीं केने कारण सांसद कर्मचारी आ पत्रकार सब के प्रदेश सभा में प्रत्येक दिन के बैसार में घंटों घंटा प्रतीक्षा करे पड़ल उपराग सुनौने छली 7 बजे शपथ खाएको बेला देखि यो बैठक को समय लाई दुरुपयोग भएको भने मैले आभास गरेको छु र यहाँ सदनमा बोलिराख्दाखेरि जो हाम्रो हेरिराखेका छु यहाँ जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ र यहाँ पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ समयमा आइपुग्ने र हाम्रै सरकारका मन्त्रीहरू बेलामा नआइपुग्ने भोरमे 9 बजे बजाउल गेल बैसार 10:40 मे शुरू भेल छल सांसद लोकनि उठाउने प्रश्न के जवाब देव मुख्यमंत्री के सट्टा आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञान कुमार यादव रोस्टम पहुँचल ओ मुख्यमंत्री बजने बात कतौ कोनो हिसाब से गलत नहीं रहल कहत जानकी मंदिर में राखल नेपाल के झंडा के विषय में संघीय सरकार आ परराष्ट्र मंत्रालय के जवाब देव पड़बाक धारणा रखल सोही दायित्वलाई समझेर मुख्यमन्त्रीज्यूले लाखौँ जनताको अगाडि आफ्नो कुरा राख्नुभएको संविधानमा अझै थुप्रै त्रुटि र विभेद कुराहरू छन् ती संविधानमा रहेका विभेदकारी प्रावधान तथा प्रादेशिक अधिकारका लागि आफ्नो धारणा राख्नु कुनै पनि हिसाबले गलत हुन सक्दैन संविधान संशोधनकै एजेन्डालाई आधार मानेर यी प्रदेशका जनताले मत दिएका हुन् जनताले दिएको म्यान्डेट नेतृत्वले उठाउनु स्वाभाविक हो मन्त्री यादव सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण अभिनन्दन समारोहमे पानिके बोतल निषेध कयल गेल समेत बतौलनि वीआईपी पास के दुरुपयोग भेल विषयमे प्रदेश सरकार के कोनो जानकारी नहि रहल समेत बतबैत मन्त्री यादव 5 मिनटमे अपन सम्पूर्ण जवाब पूरा केने छलनि राष्ट्रीय झण्डाको त्रुटिको सन्दर्भमा
हामीलाई कुनै जानकारी भएन। यो विशुद्ध संघीय सरकार को व्यवस्थापन हो, प्रदेश सरकार को त्यसमा कुनै भूमिका भएन। संघीय सरकार को परराष्ट्र मंत्रालय को प्रोटोकॉल ले हेर्ने यो विषय थियो। यस कारण जिम्मेवारी नै भएको विषयमा जवाब देही हुनु पर्ने हैन। यहाँसम्म कि प्रदेश सरकार का सचिव स्तरकै कर्मचारीहरूको समेत प्रवेश पास थिएन। दोस्रो, बोतल सुरक्षाको दृष्टिकोणले कार्यक्रम यस वरिपरि हुनु उपयुक्त थिएन। तेस्रो, पानी पिउन चाहने भिडहरूको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण थियो। यसकारण सुरक्षा विज्ञहरूको सल्लाहमै पानीको व्यवस्थापन गरिएको हो। तथापि कार्यक्रम यस्तोभन्दा बाहिर चाहिँ पानी पिउने स्टोरहरू राखेको बेहरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जानकारी हामी गरिमामय सदनलाई दिन चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। मंत्री यादव के जवाब के बाद कांग्रेस आ माओवादी के सांसद लोकन मंत्री यादव जवाब नहीं दक उल्टे काउंटर कर के काज के कहत विरोध आ आपत्ति जनौने छलन। सरकार अपन कमी कमजोरी स्वीकार कर आत्मसमीक्षा कर के बदला सवाल आ प्रश्न के काउंटर देव के काज के कहत वर्तमान सरकार सरकार चलाब समेत असफल भ जेबाक ओ सब दावी कने छलन। निश्चित रूप में मुख्यमंत्री अहिले आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूले यो जवाब दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ यो हिजो उठेको सदनमा जुन सवालहरू उठ्यो त्यसको काउन्टर दिने, सन्तुष्टिजनक जवाब दिने होइन, त्यसको काउन्टरमा तयार गरिएको एउटा जवाब थियो। मलाई लाग्छ त्यसले मलाई सन्तुष्टि भएको छैन। त्यसैले यहाँ हामीले यसको अपेक्षा पनि गरेका थिएनौँ। देखा देख कमजोरीहरू भएको छ, त्यसलाई पनि ढाकछोप गर्ने प्रयास यसरी गरेपछि सरकार कसरी चलाउँछ भन्नुहोस् त? के बुझ्ने यो सरकारले के कसरी चल्छ, कसरी चलाउन सक्छ? मलाई लाग्छ यो अनुभवको धेरै कमी भएको जस्तो लाग्छ। हामी आफै भित्र व्यक्तिगत समस्याहरूको समाधान गर्दै गरेका छौँ। संशोधनका विषय छन्, मधेसका अधिकारका विषय छन्, त्यसमा हामी संयुक्त रूपले लड्दैछौँ। त्यो मञ्च हाम्रो आन्तरिक कुरा राख्ने मञ्च थिएन, त्यो डिप्लोमेटिक मर्यादाको विपरीत थियो। किनभने एउटा अर्को देशको प्राइम मिनिस्टर हाम्रो देशमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला मलाई लाग्छ हाम्रो आन्तरिक कुरा कुनै पनि कारणले, मर्यादाको कारणले होस्, डिप्लोमेटिक कारण होस्, कुनै हातमा राख्नु हुँदैन। त्यो संसारको कुनै पनि देशमा यस्तो चलन छैन। किनभने हाम्रो भित्रको समस्या हामी आफै सल्भ गर्छौँ, भित्र केन्द्रसँग या प्रदेशसँग या अधिकारको लागि डिस्क्रिमिनेसन हामीले भोगेका छौँ। त्यो नरेन्द्र मोदी, माननीय नरेन्द्र मोदीले सल्भ गर्ने होइन। वाद विवादके बाद सभामुख सरोज कुमार यादव प्रस्तुत केने प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 सर्वसम्मतसँग पारित कयल गेल छल। तेकरा बाद एक घण्टाक लेल बैसार स्थगित कयल गेल छल। डेढ़ घण्टाके विश्रामके बाद शुरू भेल बैसारमे सभामुख प्रदेश सभाके जारी अधिवेशन सम्पन्न भेल घोषणा कयने छलनि। प्रदेश सभामे सांसद सब उठौने सवाल सबके भरोसगर जवाब नहि दऽ सरकार भागवला शैलीमे सदनके अधिवेशन सम्पन्न केने कांग्रेसक सांसद लोकनिके आरोप छल। मोदी भ्रमण में व्यापक भ्रष्टाचार भेल होब सकबाक आकर हिसाब किताब प्रदेश सभा में लेत ताई डर से सरकार सदन के कार्यवाही संपन्न केने हुनका सबके आरोप छलन। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम। प्रदेश नंबर दू के मंत्री परिषद 5 विधेयक तैयार कर सैद्धांतिक स्वीकृति देने। काल्हि भिनसर मुख्यमंत्री कार्यालय में बैसल मंत्री परिषदक बैसार 5 विधेयक तैयार कर सैद्धांतिक स्वीकृति देवक निर्णय केने। आकस्मिक कोष आ संचालन संबंधी विधेयक, कर तथा गैर
राजस्व लगेवाक तथा उठेवाक सम्बन्धी विधेयक, मनोरञ्जन कर उसूल उपर करबाक सम्बन्धी विधेयक, सवारी साधन कर उसूल करबाक विधेयक आ प्रदेश वन विधेयक लगायतक विधेयक तैयार कर सैद्धांतिक स्वीकृति देने मुख्यमंत्री प्रेस संयोजक अतीश मिश्र जानकारी देलनि। मुख्यमंत्री कार्यालय बैसारमे 5 विधेयक तैयार कर सैद्धांतिक स्वीकृति आ प्रदेश 2 के प्रदेश सभाक चालू अधिवेशन समापन सहितक 6 बुन्दाक कार्यसूची पेश कयल गेल छल। 12 रंगभूमि मैदान के मुख्य देवाल आगू पुनः राखल गेल ठेला के दुकान सब जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका हटौने अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमणक बाद मिथिला पेंटिंग आकर्षक ढंग से सजायल कऽ देवाल आगू पुनः ठेला के दुकान सब राखल गेलाक बाद सर्वत्र उपराग बढ़ला से एकर दुकान सब हटायल गेल अछि। असहाय संरक्षण मंच के अगुवाई में काल ई देवाल के आगू सर सफाई सेहो कयल गेल। ई देवाल के सफाई का सेल्फी देवाल के रूप में चर्चित बनाब पड़त मंच के अध्यक्ष वैद्यनाथ साह बतौलन। समाचार में पुनः से किछु देर व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अपन की समाचार। सरकार वैदेशिक रोजगारी के लेल मलेशिया जायवला नेपाली मजदूर पर लगाओल गेल बेसी शुल्क खारिज करबाक निर्णय कयलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट मलेशिया जायवला नेपाली मजदूर पर अवैधानिक रूप में लेल जा रहल बेसी शुल्क खारिज करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि। काल सिंहदरबार स्थित अपने कार्यकक्ष में पत्रकार सम्मेलन कऽ ओ बेसी शुल्क नहीं लेब सरकारक निर्णय कार्यान्वयनक लेल मलेशिया सरकार के अनुरोध करब परराष्ट्र मंत्रालय से कूटनीतिक प्रयास करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि। मंत्री बिष्ट सरकारक ई निर्णय कार्यान्वयन कराब सेहो माथतक निकाय के सचेत करौलनि। मलेशिया जायवला नेपाली मजदूर पर वीजा बाहेक शुल्क लगाओल गेला पर संबंधित निकाय के कड़ा कार्यवाही करबाक मंत्री विष्ट योजना बनौने छथि। मलेशिया र नेपाल सरकार दुई देश बीच को समझदारी समझौता भन्दा बाहेक का अनेकन शीर्षक का अनेकन खण्डहरू मा जुन प्रकार का रकम असूली का अवस्थाहरू देखा परेका छन्, विभिन्न नामबाट असूली अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई हटाउनको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा प्रयत्न गरेको छ, पटक पटक प्रयत्न गरेको छ, पटक पटक सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित निकायको ध्यान समेत पनि आकर्षित गरेको छ। यसका बावजुद पनि हालसम्म पनि विभिन्न नाममा अतिरिक्त रकम असुली गर्ने र गरिब युवाहरूलाई व्यवहार थप्ने जुन प्रकारको अवस्था देखा परेको छ, त्यसलाई हटाउनको लागि श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनैतिक पहल गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयले हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी औपचारिक ढङ्गले निर्णय गरेर अनुरोध अगाडि बढाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनैतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ र यो अवस्थालाई हटाउनको लागि, अतिरिक्त असुलीको अवस्थालाई हटाउनको लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नेछ। यसबाहेक हिजो मात्रै हामी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सिन्डिकेट हटाउने गरी विभिन्न नाममा भएको असुली हटाउने गरी निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र यसलाई सम्पूर्ण रूपमा हटाउनको लागि हामीले नेपालभित्र रहेका सम्बन्धित निकायहरूको समेत पनि ध्यान आकर्षण गरेका छौँ र यो व्यवस्थालाई हटाएर सम्झौता अनुकूल कानुनमा व्यवस्था भए अनुकूल अनुरूपको मात्रै शुल्क लिन पाउने, अन्यथा अरू कुनै पनि सुविधा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने गरी भएको यो निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले आवश्यक निर्णय आवश्यक पहल आवश्यक प्रक्रिया सबै अगाडि बढाइसकेका छौँ। तहिना सरकार एकपक्षीय रूपमे 39 स्वास्थ्य संस्था सबसँ मात्र स्वास्थ्य परीक्षण करबाक प्रावधान हटेबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँ मान्यता प्राप्त आ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयके सूचीकृत भेल स्वास्थ्य संस्था सबसँ वैदेशिक रोजगारी जायवला नेपाली मजदूरक स्वास्थ्य परीक्षण कयल जा सकबाक व्यवस्था सेहो लागू कयल गेल। मन्त्री विष्ट जानकारी देलनि। ई व्यवस्था स्वास्थ्य परीक्षणमे लगाओल गेल सिन्डिकेटके समाप्त करबाक सरकार स्पष्ट कयने अछि। नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ के पहिल प्रादेशिक जमघट जनकपुर में शुरू भेल। महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर के प्रमुख आतिथ्य में शुरू भेल जमघट से पहिल प्रादेशिक कार्य समितिक चयन कयल गेल।
जिन प्रदेश भेला करी गेल छी हमसब एक प्रदेश भेला में हमरा सबके प्रदेश प्रमुख सेहो गठन हेतै ओबीसी के अन्य सदस्य सेहो आठ जिला के सदस्य सब जिला अध्यक्ष संपूर्ण आबि गेल छै सब गोरा छै एहिमे कार्यसमिति में अखन चयन नहि भेलै अखन वन सत्र नहि भेलै अखन प्रदेश प्रमुख के ओहिके लऽ कऽ हमरा सब पहला ही जनकपुर में प्रदेश भेला के पहला कार्यक्रम छै। सभा के संबोधन करत महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष ठाकुर संसद में पिछड़ा वर्गक बात नहीं उठाब में सांसद मंत्री सबके विरोध केने छथि। ओ सब पिछड़ा वर्ग से बहुत सांसद आ प्रदेश सांसद सब रहलाक बादो हक अधिकार के बात नहीं उठाब सकल बतौने छथि। प्रदेश में और केंद्र में पिछड़ा वर्ग में पड़े वाला जात सब बहुत माननीय सब विधायक सब जी सब लेकिन पिछड़ा वर्ग के आवाज न उठाए वाला माननीय विधायक जी सब के हमनी सब के अब काम है कि केना हुनका सब के सबक सिखब। उत्ता सब सांसद आ प्रदेश सांसद सब के सावधान कर सेहो प्रादेशिक समिति अनिवार्य रहल बतौलन। कपिलवस्तुक शिवराज नगरपालिका वार्ड नंबर 5 चंद्रौटा में बीतल रात भीषण आग लगी भेल। आग लगी से 6 दोकान जरकर नष्ट भेल छल। रशीद खान छोटू के घरक दोकान से 2 बजे आग लगी शुरू भेल। पुलिस जननी अछि आग लगी से 2 करोड़ से बेसी क्षति भेल अनुमान कयल गेल अछि। खानक घर में रहल दोकान सब पॉडेल ब्रदर्स कंप्यूटर लक्ष्मी ट्रेडर्स एंड दूध डेयरी गैलेक्सी पिए वाला पानी एस आर ट्रेड लिंग शिवराज हेयर कटिंग आ JDC गेमिंग जारी कर नष्ट भेल अछि। स्थानीय संगहि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी आ कृष्णनगर दमकलक सहयोग से आग नियंत्रण में लेल गेल छल। सिरहाक गोलबाजार प्रहरी 2000 लीटर अवैध मदिरा नष्ट केने अछि। गोलबाजार नगरपालिका वार्ड नंबर 6 में अवैध रूप में संचालित मदिरा भट्टी के नियंत्रण में लकर नष्ट केने इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबाजार जानकारी देलक अछि। गोलबाजारक प्रहरी निरीक्षक राजेश सुवेदी तथा सशस्त्र प्रहरी बल बेस कैंप गोलबाजार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जनक बस्नेतक संयुक्त गश्ती टोली मंगल के राति भट्टी में छापा मार के बरामद केने मदिरा नष्ट केने छथि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन देशक समृद्धि के लेल ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख आधार बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छथि। मंत्री पुन उद्योग आ कृषि क्षेत्रक विकास कऽ देश के समृद्ध बनाबल सरकार ऊर्जा आ सिंचाईक क्षेत्र विकासक लेल आवश्यक प्रयास कऽ रहल स्पष्ट कयलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ ऊर्जा क्षेत्रक विकासक लेल विशेष योजना आगा बढ़ेबाक सेहो बतौलनि। र हामीसँगै छ त्यसो गर्दा हामीले एकातिर चाहिँ औद्योगिकरण गरेर हामीले समृद्धि हासिल गर्नु छ त्यसको लागि पहिलो आधारभूत शर्त ऊर्जाको पर्याप्तता पर्याप्त ऊर्जाको व्यवस्था गर्नु। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी अहिले पनि 2/3 हाम्रो जनताहरू कृषिमा निर्भर छ र कृषिमा आधुनिकीकरण वैज्ञानिकरण र कृषिको व्यवसायीकरणको आवश्यकता त्यो पनि सिँचाइ पहिलो प्राथमिक शर्त हो। त्यसैले ऊर्जा र सिँचाइले नेपालको चाहिँ आर्थिक वृद्धिको मुख्य नेतृत्व गर्नेछ मुख्य भूमिका खेल्नेछ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यस अर्थको अबको आर्थिक समृद्धिको ड्राइभिङ इन्जिन भनेको ऊर्जा र सिँचाइ हो भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यही वरिपरिबाट हामीले श्वेत पत्र पनि जारी गरेका छौँ र यहाँहरूले श्वेत पत्र हेरिसक्नुभएको छ त्यसलाई हामी एउटा कार्ययोजनामा बदल्दैछौँ। श्वेत पत्रहरू धेरै आउने गर्छन् आएका छन् र त्यसलाई हामीले निश्चित कार्ययोजनाभित्र त्यसलाई चाहिँ एउटा रूपान्तरण गरेर चाहिँ रिजल्ट दिने गरी हामीले चाहिँ त्यसलाई काम गर्दैछौँ। त्यसैले छिट्टै फेरि एउटा निश्चित कार्ययोजना पनि पाउनुहुनेछ। अन्तको रूपमा चाहिँ म भन्न चाहन्छु यहाँलाई पहिलो लोड सेडिङ अन्तर्गत हामीले मन्त्रीपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रमे लगानी बढाव निजी क्षेत्रक व्यवसायी सबके सेहो फेरसँ आग्रह केने छथि। संचार तथा सूचना प्रविधि राज्य मंत्री गोकुल बास्कोटा समाजक जीवंतता के मरण नहीं देव सरकार प्रावधिक उपयोग करबाक नीति लेने बतौने छथि। राज्य मंत्री बास्कोटा देशक आवश्यकता आ क्षमता अनुसार सूचना प्रविधि उपयोग करैत लऽ जेबाक योजना सेहो आगू बढ़ौने छथि। विश्व टेलीकम्युनिकेशन तथा
इन्फर्मेसन सोसाइटी दिवसक अवसर पर काल्हि काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में बाजत ओ सूचना प्रविधि सही प्रयोग नहीं भेला से ई अभिशाप हटवाक दिस सेहो सचेत करौलन। राज्य मंत्री बासकोटा जनजीवन के सहज बनाबा आ आय अर्जन दिस आगा बढ़वाक लेल प्राविधिक उपयोग कराबा सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलन। को कसी भित्र प्रयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, क्रियाशील छौँ। यस्तो नहोस् कि अघि प्रस्तुत गर्ने साथीहरूले कुरा गर्नु हो राम्रो छ कुराहरू, कुनै कुरा त्यस्तो नराम्रो लाग्दैन। तर यो नबिर्सिनुहोस् कि हामी दुनियाँले प्राप्त गरिरहेका उपलब्धिहरू यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि ती तकनिकी भनेको टेक्नोलोजी फोटोकपी नै हो, त्यसमा कुनै क्रिएसन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै चिजको इनोभेसन आफैमा क्रिएसन होला, तर जे दुनियाँले बनाएको छ त्यो चिज यहाँ लिएर आउने कुरा त्यो फोटोकपी नै हो। त्यो फोटोकपीलाई प्रयोग गर्न सक्ने हाम्रो समाजको चेतना र हाम्रो समाजको आर्थिक क्षमता, हाम्रो देशकै आर्थिक क्षमता र हाम्रो त्यो इच्छा शक्तिभित्र यसको प्रयोगलाई हेर्नुपर्छ। यस्तो नहोस् कि सोसाइटीको जीवन्तता चाहिँ यसले मार्नु हुँदैन, फेरि यसको विपक्षमा म होइन। जीवन्तताभित्रको सहज जीवनको, अघि हाम्रो मन्त्रालयको सचिवज्यूले भने जस्तो जीवनलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसबाट आर्थिक लाभहरू लिने चिज हो। सबै कुरा मेसिनरी गरेर अघि एकजना प्रस्तुताले अमेरिका बसेर 20 वर्षमा नेपाली भाषै बिर्सिनु हो, यो पनि अटोमेसन हो। राज्य मन्त्री बासकोटा आर्थिक हैसियत कमजोर भेल देश सभक लेल प्राविधिक उच्चतम प्रयोग हितक नै भेल सेहो स्मरण करौलनि। धनसाक एक युवा साइकिल से मुक्तिनाथक यात्रा तय केने छथि। जनकपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 के रंजीत शाह 12 दिन में मुक्तिनाथ पहुँच सफल भेल छथि। पेशा से व्यापारी शाह हरेक साल साइकिल से तीर्थयात्रा करते आयल छथि। शाहक ई तेसर यात्रा रहल छनि। एहिसँ पहिने ओ पशुपतिनाथ आ हलेसी महादेव धार्मिक यात्रा सेहो साइकिल से केने छलथि। साइकिल यात्री सब गियर भेल साइकिल प्रयोग करैत आयल अछि, मुदा शाह बिना गियर साइकिल से मुक्तिनाथ पहुँच सफल भेल छथि। यात्रा क्रम में मुक्तिनाथ में पहुँच समय स्थानीय प्रहरी हीरो रॉयल साइकिल से यात्रा के निहार पहिल व्यक्ति कहिक प्रशंसा केने सेहो ओ बतौलनि। पशुपतिनाथ सिन्धुली हुँदै अर्को यात्रा थियो जनकपुरदेखि हलेसी, तेस्रो यात्रा भयो मुक्तिनाथ, अब चौथो यात्रा हामी सोचिरहेछौँ। प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ केही दिन फेरि 75 भयो, फेरि 76 पनि जाने, हामी 77 पनि जाने, त्यस्तै गरी प्रत्येक वर्ष केही यस्तो कठिनाइ ठाउँ जहाँ मान्छे पुग्छ तर साइकल पुग्न सकिँदैन, त्यसैले अब म यात्रा प्रत्येक वर्ष गर्ने सोचिरहेछु। मुक्तिनाथ यात्रा क्रम में पहिल दिन हेटौडा, दोसर दिन अबू खड़ैनी, तेसर दिन फेदी चारम, चारम दिन रातोपानी, पाँचम दिन मार्फा तथा छठम दिन मुक्तिनाथ मंदिर पहुँचल शाह बतौलन। बिना गियरक साइकिल से जनकपुर से 544 किलोमीटर दूरी में आ बहुतों ऊंचाई में रहल मुक्तिनाथ पहुँच वाला अपने पहिल व्यक्ति भेल सेहो ओ साइकिल यात्री रंजीत शाहक दावी छन। अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर। नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भेल, नया पार्टीक नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। आब नेपाली कांग्रेस अपना सभक प्रतिस्पर्धी नै रहल, प्रधानमंत्री ओलीक टिप्पणी, कांग्रेस सहयोगी पार्टी हेबाक दावी। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभाक अधिवेशन अंत, मोदी भ्रमणक विभिन्न विषय में एमाले माओवादीक सांसद सबसे सरकारक जवाब मांग। वैदेशिक रोजगारीक लेल मलेशिया जायवला नेपाली कामदार ऊपर लगाओल गेल अतिरिक्त शुल्क खारिज करबाक सरकार के निर्णय। आ कपिल वस्तुक चंद्रोटा में आग लगी, 6 दुकान जड़ कर नष्ट, आग लगी से 2 करोड़ से बेसी क्षति। बेस्त अपन न्यूज एहिठाम सम्पन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।